स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन एक्सप्लेन करूंगा, जो CBSE बोर्ड के क्लास 10 में है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, और वीडियो में या चैनल पे आप कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे चांद पूर्व दिशा में ऊपर की तरफ आ रहा था। द स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, मेरे ऊपर तारे आसमान में चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। I was happy to be alone high up above sleeping countryside, मैं देश सो रहे देशवासियों के ऊपर आसमान में अकेला था और प्रसन्न था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England, मैं अपने पुराने ओल्ड डेकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था, जो कि इंग्लैंड के पीछे है। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family, मैं अपने छुट्टियों के सपने देख रहा था और इसके आगे अपने परिवार के साथ होने का एहसास था। I looked at my watch, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 in the morning, सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control soon, मुझे जल्द ही Paris control को कॉल करना चाहिए, I thought, मैंने सोचा। As I looked down past the nose of the aeroplane, जैसा जब मैंने नीचे देखा जब एरोप्लेन गुजरा, I saw the lights of a big city in front of me, मैंने एक बड़े शहर के प्रकाश को लाइट्स को देखा। I switched on the radio and said Paris control, मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा Paris control, Dakota DS-088 here, Dakota DS-088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन द वे ऑफ इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। द वॉयस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से मुझे जल्द ही जवाब मिला। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। DS-088 यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट, DS-088 ओवर, तुम्हें 12 degrees 12 अंश दक्षिण की तरफ घूम जाना चाहिए। आई चेक द मैप एंड कंपास, मैंने मैप और कंपास को चेक किया। स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द Dakota 12 degrees फास्ट फॉरवर्ड इंग्लैंड, और मैंने अपने दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को ऑन किया और 12 degrees पश्चिम की तरफ मुड़ा इंग्लैंड की तरफ। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के टाइम पहुंच जाऊंगा, आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 kilometers बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, पेरिस मुझसे 150 kilometers पीछे था जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म्स क्लाउड, तूफानी बादल, दे वेयर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, विशालकाय थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे काले पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़े थे आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, मैं जानता था कि मैं उसके ऊपर से उड़ नहीं सकता था और ना ही उसके उत्तरी किनारे से या साउथ या दक्षिणी किनारे से होके उड़ सकता था, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। I ought to go back to Paris, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, I thought, मैंने सोचा। But I wanted to get home, पर मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast, मैं उस नाश्ते को करना चाहता था। I shall take the risk, मुझे रिस्क लेना चाहिए, I thought, मैंने सोचा।
एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्टेट इन टू द स्टॉर्म, और फिर मैंने उस पुराने डिकोटा को तूफान में से उड़ाया। इन साइड द क्लाउड एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के बीच अचानक ही सब कुछ अंधकारमय हो गया, काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो पुराना हवाई जहाज कूदा और उछला हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, एयर डेड हो चुका था, मर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड, दूसरे जो उपकरण थे वो भी अचानक ही बंद हो गए, काम करना बंद कर दिए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी मृतक था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास था, और मैं यह भी नहीं देख सकता था कि मैं आखिर था कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तभी उस काले बादलों में मेरे पास ही आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं यह देख सका कि यह मेरे बगल में उड़ रहा था तूफानों तूफान से होकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के चेहरे को भी देख सका। टर्न्स टुवर्ड मी, जो मेरी तरफ ही था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देख के काफ़ी प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह जानता है कि मैं खो चुका हूँ और ऐसा मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। माई ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को अपने जहाज को नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ धीरे से घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने से, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह मेरे लिए आसान हो गया उसको फॉलो करना या उसके पीछे चलना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बालक के साथ बालक की तरह उसके पीछे चलने में बहुत प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, डेढ़ घंटे तक वह अनजाना काला हवाई जहाज तूफान बादलों में मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इन अ फ्यूल इन द ओल्ड कोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब इस ओल्ड डिकोटा में, पुराने डिकोटा के टैंक में केवल इतना ही ईंधन था कि यह 5 या 10 मिनट तक उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी वो नीचे जाने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैं भी तूफान में उसके पीछे चला। Suddenly I came out of the cloud and saw two long straight line of light in front of me. अचानक ही मैं बाहर आ गया बादलों से और देखा दो लंबी प्रकाश की लाइनें मेरे सामने थी। It was a runway, यह रनवे था, एक एयरपोर्ट था। I was safe, मैं सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, मैंने अपने उस मित्र को काले हवाई जहाज में देखने के लिए पीछे की तरफ घुमा। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड कोटा नियर टू कंट्रोल टावर, मैं लैंडेड
मैंने लैंड किया, जहाज़ को खड़ा किया और फिर पास ओल्ड डकोटा के पास कंट्रोल टावर की तरफ गया। आई वेंट एंड आस्क ए वीमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं गया और एक औरत से मैं कंट्रोल सेंटर में गया और एक औरत से पूछा वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं कहाँ से आया था और वह पायलट कहाँ का था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ, उसने मुझे बिल्कुल बहुत ही अचरज से देखा और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, दूसरा हवाई जहाज ऊपर तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा हवाई जहाज इस रात नहीं उड़ रहा है। योर्स वॉज द ओनली वन एंड आई कुड सी ऑन द रडार, आपका जहाज केवल एकमात्र था जिसे मैं रडार पे देख सकी थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास आर ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, तो फिर वह कौन था जिसने मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचने में बिना कंपास के, बिना रेडियो के या बिना पर्याप्त ईंधन के। हु वॉज द पायलट ऑन द स्टैंड ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, वह पायलट कौन था उस अनजाने काले हवाई जहाज में जो तूफानों में बिना लाइट के हवाई जहाज उड़ा रहा था।